हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ट्यूबलाइट का कनेक्शन कैसे किया जाए। तो दोस्तों, बहुत से अलग अलग टाइप की ट्यूबलाइट मिलती है मार्केट में, जैसे कि इलेक्ट्रिकल चोक वाला ट्यूबलाइट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक चोक वाला ट्यूबलाइट हो गया एंड एलईडी ट्यूबलाइट हो गया। तो मैं आप लोग को तीनों के कनेक्शन बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिकल चोक वाला ट्यूबलाइट के कनेक्शन देख लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारा जो फेज है उसको पहले हम लोग को चोक में कनेक्ट करना है। चोक को ब्लास्ट भी बोला जाता है। तो ये जो हमारा चोक है वो इलेक्ट्रिकल चोक है। फेस चोक के अंदर आने के बाद यहाँ से निकल करके ट्यूबलाइट के एक पॉइंट पे जाएगा। फिर वहाँ से निकलने के बाद हम लोग स्टार्टर के अंदर कनेक्ट करेंगे। फिर स्टार्टर से निकलने के बाद एक और पॉइंट पे जाएगा ट्यूबलाइट के। फिर वहाँ से निकलने के बाद अपने न्यूट्रल में चला जाएगा। तो आप लोगों को मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि इसको कैसे कनेक्शन किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, ये ट्यूबलाइट स्टैंड है, तो इसके अंदर स्टार्टर लगाने के लिए जगह दिया है एंड यहाँ पे चोक ऑलरेडी लगा हुआ है एंड यहाँ पे ट्यूबलाइट का होल्डर है। ये दोनों साइड में होता है, मींस राइट हैंड साइड में भी होता है एंड लेफ्ट हैंड साइड में भी होता है। तो इसका हम लोग कनेक्शन देख लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग इसको उल्टा करके देख लेते हैं कि पीछे साइड क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि देखिए, यहाँ पे दो मुझे ओपन वायर दिख रहे हैं। तो ये जो ओपन वायर है फेज एंड न्यूट्रल के हैं। तो हम लोग देख लेते हैं पहले ये वायर कहाँ पे गया हुआ है। तो देखिए, ये जो वायर है ये सामने जाके निकला है यहाँ पे, तो ये चोक में गया हुआ है, मींस हमारा ये फेज का वायर है। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि ये जो फेज है वो जाके चोक के अंदर कनेक्ट हुआ है। तो ये देखिए, यहाँ पे जो वायर है ये इधर आके पहले चोक में कनेक्ट हुआ है। तो दोस्तों देखिए, चोक से यहाँ से एक दूसरा वायर निकल रहा है। तो ये वायर देखते हैं कहाँ पे जा रहा है। तो देखिए, ये जो वायर है ये यहाँ से निकलने के बाद इस ट्यूबलाइट होल्डर के पास आया है। तो जैसा डायग्राम के अकॉर्डिंग, ये जो वायर है यहाँ से निकलने के बाद ट्यूबलाइट होल्डर के पास जाएगा, फिर वहाँ से वायर निकलने के बाद स्टार्टर के पास जाएगा। तो यहाँ से देखिए, जो वायर आया था, ये जो चोक से आया था, ये गया ट्यूबलाइट होल्डर के पास। फिर वहाँ से देखिए, एक वायर निकलते हुए आ रहा है और ये गया है स्टार्टर के पास। तो ये स्टार्टर का स्टैंड है, उस स्टैंड के अंदर कनेक्टेड है ये जो वायर आया है, ये स्टार्टर के स्टैंड में कनेक्टेड है। फिर यहाँ से देखिए, निकलने के बाद कनेक्ट हुआ है ये ट्यूबलाइट होल्डर के अंदर। फिर ये देखिए, सेकेंड वायर आया है, ये हमारा निकल करके इस होल्डर से आया है, ये न्यूट्रल का वायर है। तो सर्किट के अकॉर्डिंग देखिए दोस्तों, कि फेज जो है पहले चोक पे कनेक्टेड हुआ, ये जो फेज है ये चोक पे कनेक्टेड हो गया, फिर चोक से निकलने के बाद ये ट्यूबलाइट होल्डर के पास गया, इस होल्डर के पास गया, फिर इस होल्डर से निकलने के बाद वो स्टार्टर के पास गया। यहाँ से देखिए, स्टार्टर के पास कनेक्ट हुआ है। तो यहाँ पे भी देखिए, ये स्टार्टर के पास कनेक्ट हुआ है, फिर स्टार्टर से निकलने के बाद वापस होल्डर के पास गया। तो यहाँ से स्टार्टर से देखिए होल्डर के पास गया, फिर इस होल्डर से निकलने के बाद न्यूट्रल में गया। तो ये जो है न्यूट्रल में चला गया। तो दोस्तों, कैसे डिफरेंस पहचाना जाए कि ये इलेक्ट्रिकल चोक है या इलेक्ट्रॉनिक चोक है। तो जो इलेक्ट्रिकल चोक होता है उसके अंदर स्टार्टर होता है, और जो इलेक्ट्रॉनिक चोक होता है उसके अंदर स्टार्टर नहीं होता है। तो दोस्तों, इस कनेक्शन को मैं आप लोग को ऑन करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ऑन करने के लिए मैं ये होल्डर यूज कर रहा हूँ, इसके अंदर हम लोग कनेक्शन करेंगे, उसके बाद मैं आप लोग को ऑन करके दिखाता हूँ। माइंड में क्वेश्चन आता है कि हमारा जो स्टार्टर होता है उसको निकाल देने के बाद भी ट्यूबलाइट कैसे जलती रहती है। दोस्तों, सर्किट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो स्टार्टर को निकाल देने के बाद सर्किट कंप्लीट ही नहीं होगा, लेकिन स्टार्टर निकाल देने के बाद भी हमारी ट्यूबलाइट जलती रहती है। तो वो कैसे जलती रहती है उसका आंसर आप लोग को चाहिए होगा, तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आप लोग के लिए एक वीडियो बना दूंगा। और साथ ही साथ ये भी बता दूंगा कि फ्लोरोसेंट ट्यूब कैसे वर्क करती है। सर्किट कंप्लीट हो चुका है, तो सर्किट को हम लोग एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो हमारा जो फेज है वो पहले गया है चोक के अंदर। तो यहाँ से जो मेरा फेज है वो आ रहा है, ये गया है चोक के अंदर। फिर चोक से निकलने के बाद देखिए, सर्किट के अकॉर्डिंग भी चोक से निकलने के बाद वो ट्यूबलाइट होल्डर में गया है। तो यहाँ से देखिए, जो एक वायर है जो चोक के निकला है वहाँ से, और ये गया है ट्यूबलाइट होल्डर में। फिर ट्यूबलाइट होल्डर से एक वायर आया है, वो गया है स्टार्टर के अंदर। तो यहाँ पे भी देखिए, ट्यूबलाइट होल्डर से एक वायर निकल के आने के बाद स्टार्टर के अंदर कनेक्टेड है। फिर स्टार्टर के अंदर से एक वायर निकला है, वो गया है नेक्स्ट ट्यूबलाइट होल्डर के अंदर। तो यहाँ पे भी देखिए, स्टार्टर के स्टैंड से निकल करके एक वायर वो ट्यूबलाइट होल्डर के अंदर गया है, फिर ट्यूबलाइट होल्डर से निकल करके न्यूट्रल में कनेक्टेड है। तो यहाँ पे भी देखिए, ट्यूबलाइट होल्डर से वायर निकला है एंड न्यूट्रल में कनेक्टेड है। तो यहाँ पे सर्किट कंप्लीट हो चुका है, एक बार अच्छी तरीके से क्रॉस चेक कर लें, आप लोग को मैं ऑन करके भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों, प्लग को लगा करके मैं आप लोग को ट्यूबलाइट को ऑन करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, जो हमारी जो इलेक्ट्रिकल चोक वाली ट्यूबलाइट होती है वो ऑन होने में थोड़ा टाइम लगाती है, क्योंकि उसके अंदर कैपेसिटर होता है जो स्टार्टर के अंदर होता है, इसके वजह से वो थोड़ा टाइम लगाती है। तो देखिए, सर्किट के अकॉर्डिंग बनाने के बाद हमारी ट्यूबलाइट चालू हो चुकी है।
तो इसी प्रकार आप लोग ट्यूबलाइट का कनेक्शन कर सकते हो। ये डायग्राम मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड करके देख सकते हो। तो अब मैं आप लोग को बता देता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक चोक वाली जो लाइट होती है उसका कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, इलेक्ट्रॉनिक चोक वाला सर्किट डायग्राम है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक चोक होता है उसके अंदर ही स्टार्टर होता है, मींस अलग से स्टार्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, इलेक्ट्रॉनिक चोक के अंदर ही स्टार्टर को डाल दिया जाता है। तो स्टार्टर के अंदर एक्चुअली कैपेसिटर होता है, तो वो कैपेसिटर को इलेक्ट्रॉनिक चोक में ही डाल दिया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक चोक जो होता है वो अलग अलग कंपनी का अलग अलग तरीके का हो सकता है। तो जैसा कि मैंने देखिए इस चोक के अंदर बताया कि दोनों जो आउटपुट के पोर्ट हैं वो दोनों इस साइड में बने हुए हैं और हमारा जो इनपुट है वो इस साइड बना हुआ है। किसी किसी में इनपुट यहाँ पे होता है और एक आउटपुट यहाँ पे होता है, एक आउटपुट यहाँ पे होता है। तो हर कंपनी का अलग अलग हो सकता है। तो जैसा कि देखिए मेरे पास एक इलेक्ट्रॉनिक चोक पड़ा हुआ है, तो इसके अंदर देखिए जो इनपुट वाला है पोर्ट वो यहाँ पे दिया हुआ है एंड आउटपुट वाले दोनों पोर्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। तो जो आउटपुट साइड है वहाँ पे देखिए चार वायर दिए हुए हैं और वो लंबे लंबे वायर है, तो इससे पता चल जाता है कि हाँ भाई ये आउटपुट के पोर्ट हैं और जहाँ पे छोटा वायर होता है वो हमारा इनपुट का वायर होता है। तो यहाँ पे देखिए छोटा वायर है, मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा वायर को ज्वाइन किया है, तो ये जो छोटा वायर है इससे पता चल गया कि हाँ भाई ये इनपुट होता है और जो बड़ा वायर रहेगा वो अपना आउटपुट का वायर है। तो आउटपुट के वायर पे कभी कभी देखिए कोई कोई कंपनी ये प्रोवाइड करती है, इसको होल्डर बोलते हैं। जैसा कि जो हमारी स्ट्रिप थी उसके अंदर होल्डर था, ये इलेक्ट्रॉनिक चोक का होल्डर है। तो ट्यूबलाइट तो दोनों की सेम ही है, बट खाली चोक चेंज हो जाने की वजह से इसके लिए इसको इलेक्ट्रॉनिक चोक बोलते हैं एंड वो इलेक्ट्रिकल चोक होता है, उसके अंदर कॉइल होता है, इसके लिए उसको इलेक्ट्रिकल चोक बोलते हैं। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक चोक होता है नॉर्मली उसके अंदर ये दिया जाता है, कोई कोई कंपनी नहीं देती है तो उसको अलग से खरीद के लगाना पड़ता है। तो आप लोग को मैं इसको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो जैसा कि देखिए ये बहुत बड़ा वायर दिया हुआ है, तो आप लोग इसे कनेक्शन कर सकते हैं इजीली। तो दोस्तों इस ट्यूबलाइट के ऊपर मैं कनेक्शन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए नॉर्मली इस होल्डर को ऐसे लगा देना है और इस होल्डर को उस एंड पे लगाना है, तो इस एंड पे भी हम लोग लगा देंगे। और यहाँ से इनपुट देने का था तो इस एंड पे दोस्तों देखिए मैंने एक प्लग को लगाया, मींस इस वायर के थ्रू होते हुए मैंने एक प्लग को कनेक्ट किया है। तो आप लोग को मैं इसको ऑन करके दिखा देता हूँ। तो देखिए जैसा कि ट्यूबलाइट ऑन हो चुकी है, तो हमारा जो इलेक्ट्रिकल चोक था उसके अंदर ट्यूबलाइट को ऑन होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है एंड हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक चोक है उसके अंदर ट्यूबलाइट तुरंत स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों जैसा कि देखिए मैंने जैसे ही ट्यूबलाइट को ऑन किया तुरंत ट्यूबलाइट ऑन हो जा रही है, लेकिन इलेक्ट्रिकल के केस में थोड़ा ट्यूबलाइट को ऑन होने के लिए टाइम लग रहा था। तो दोस्तों इसका कनेक्शन एकदम सिंपल है। तो दोस्तों हम लोग इलेक्ट्रॉनिक चोक को तो ऐसा लटका नहीं सकते हैं, तो उसके लिए जो स्ट्रिप आती है वो थोड़ी सी अलग आती है। तो उसके अंदर क्या किया जाता है कि स्ट्रिप के अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक चोक को डाल देते हैं। मैं आप लोग को दिखाता हूँ वो स्ट्रिप कैसी होती है। तो दोस्तों देखिए कुछ इस टाइप का स्टैंड होता है, तो आप लोग को मैं निकाल के दिखा देता हूँ। तो देखिए मैंने ट्यूबलाइट को निकाला, तो ट्यूबलाइट को निकालने के बाद देखिए उसको इलेक्ट्रॉनिक जो चोक होता है उसको इस तरह से अंदर डाल दिया जाता है। इस तरह से अंदर डालने के बाद हम लोग डायरेक्टली ऐसे कनेक्शन कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये जो वायर गया है यहाँ से निकला है और इस एंड पे गया है एंड वो जो वायर है वो उस एंड पे कनेक्ट हो गया है और ये जो हमारा इनपुट का वायर है वो ये रहा। तो इस तरीके से कनेक्शन किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक चोक का। तो दोस्तों अब मैं आप लोग को एलईडी ट्यूब के बारे में बता देता हूँ। तो जो एलईडी ट्यूब होती है उसके अंदर दो ही वायर दिए होते हैं, एक वायर जो कनेक्ट होता है फेज में एंड एक वायर कनेक्ट होता है न्यूट्रल में। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि फेज एक ही जगह पे कनेक्ट करना है, न्यूट्रल एक ही जगह पे कनेक्ट करना है। जो एसी सप्लाई होता है उसके अंदर हम लोग फेज को आगे पीछे करके भी लगा सकते हैं, मींस फेज का फेज की जगह पे ही लगना जरूरी नहीं है, न्यूट्रल का न्यूट्रल की जगह पे लगना ही जरूरी नहीं है। जैसा कि आप लोग को मैं एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनिक चोक का मैंने बताया था सेम उसी के ऊपर मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। तो देखिए जैसे कि मैंने अभी कनेक्शन ऐसा किया है, तो मैं ट्यूबलाइट को ऑन करता हूँ तो ट्यूबलाइट ऑन हो जाती है। तो मैं अगर मैं इसको पलट के लगा देता हूँ, मींस फेस को चेंज कर देता हूँ, न्यूट्रल को चेंज कर देता हूँ, तो ट्यूबलाइट को ऑन करता हूँ तो भी ट्यूबलाइट ऑन हो जाएगी। तो ऐसा जरूरी नहीं कि फेस को फेस में ही लगाना है, न्यूट्रल को न्यूट्रल में ही लगाना है। तो दोस्तों हमारा जो इलेक्ट्रिकल चोक है उसके अंदर भी आप लोग यहाँ पे चाहिए तो न्यूट्रल को लगा सकते हैं और यहाँ पे फेस को लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है क्योंकि ये भी एसी पे ऑपरेट हो रहा है। तो एसी के अंदर फेज एंड न्यूट्रल को हम लोग चेंज करके भी लगा सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।